है आप सभी लोगों का रीना फुट्टी किचन में। आज हम बनाने जा रहे हैं गेहूं और सूजी का लाजवाब नाश्ता कुलकुला, जिसे बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कप सूजी ले लिए हैं। 1 कप सूजी इसमें ऐड कर दिए हैं हम, और इसी कप से हम 3 कप आटा ले गेहूं के आटा ले लेंगे। फ्रेंड्स इस आटे से इस मग से हमने तीन कप गेहूं के आटा लिए हैं, 1 कप सूजी के आटा लिए हैं। फ्रेंड्स 1/2 कप से ज्यादा चीनी हम ऐड किए हैं। फ्रेंड्स हम इसको मिक्स कर लेंगे, इसको ऐसे ऐसे करके मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स मिक्स कर लिए, फ्रेंड्स इसको मिक्स कर लेंगे, और इसके बाद हम पानी डालकर एक खोल बना लेंगे। फ्रेंड्स फ्रेंड्स हम 1 गिलास पानी लिए हैं, और देखिए इसमें हमारा कितना पानी ऐड हो रहा है। हमको ज्यादा पतला खोल नहीं बनाना है, हमको मीडियम ही खोल बनाना है, ना पतला ना मोटा। फ्रेंड्स हमको ऐसे ऐसे करके इसको खोल बनाना है, इस तरह कर करके ही खोल बनाना है। आइए हो जाए तो ये नरम नरम होती है, हम जितना इसको ऐसे ऐसे फेंटेंगे उतना ही ये नरम होती है। इस तरह करके हमको फेंट लेना है। ये खोल का क्वांटिटी हमारा ठीक है, हमको ऐसा ही खोल चाहिए। फ्रेंड्स इसको थोड़ा हम ऐसे ऐसे फेंटेंगे, तो इससे हमारा जो कुलकुला बनेगी ना फ्रेंड्स, वो बहुत ही नरम बनेंगे। देखिए फ्रेंड्स इसका कॉन्सेप्ट ऐसा रहना चाहिए कि ऐसे ऐसे गिरे, देख रहे ऐसे ऐसे गिरना चाहिए। यही कॉन्सिस्टेंसी रहना चाहिए, इसी कॉन्सिस्टेंसी में ही गिरना चाहिए। फ्रेंड्स देखिए फ्रेंड्स हमारा खोल बन के तैयार हो चुकी है, और इसका कॉन्सिस्टेंसी देख रहे हैं इस तरह ही गिरना चाहिए। और ये फ्रेंड्स इस गिलास से हमारे 1 गिलास और 1/2 गिलास 1.5 गिलास पानी इसमें ऐड हुआ है। फ्रेंड्स अब हम इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देंगे। फ्रेंड्स 10 मिनट के बाद इसको हम कुक करेंगे। लमसम 150 ग्राम फॉर्चून ऑयल डाले हैं, रिफाइंड ऑयल इसमें ऐड किए हैं। फ्रेंड्स ये जब गर्म हो जाएगी तब डालेंगे। हमारे खोल भी ये 10 मिनट हो चुकी है। फ्रेंड्स अब हम इसको बनाने जा रहे हैं। फ्रेंड्स ये गर्म हो जाएगी फिर तब हम फ्रेंड्स हमारा ये गर्म हो चुका है, हमको ज्यादा हार्ड नहीं करना है, इसको हमको हल्का ही गर्म करना है। अब हम गैस को फ्लेम को फ्रेंड्स लो मीडियम कर देंगे। अब इसको हम देखिए फ्रेंड्स अब हम इसको डाल देंगे, कढ़ाई गर्म हो चुकी है, अब हम इसको लो फ्लेम कर दिए हैं कढ़ाई को, और इसमें हम ऐसे करके हम
इसको भी पलट लेंगे फ्रेंड्स। देखिए धीरे धीरे करके इसको पलट लेंगे फ्रेंड्स। इसी तरह करके हम पलट लेंगे फ्रेंड्स। पलटने के बाद हम इसको लो फ्लेम में थोड़ा कुक करेंगे और अच्छा तीनों से एक बराबर कुक हो जाएगी तो फ्रेंड्स हम थोड़ा सा मीडियम फ्लेम करके इसको लाल कर लेंगे फ्रेंड्स। कुलकुला के कलर तो रेड होती है तो फ्रेंड्स हमको तो रेड तो करना ही पड़ेगा ना। पहले इसको कुक कर लेंगे, दोनों ओर से कुक हो जाएगी, इसके बाद हम इसको रेड कर लेंगे फ्रेंड्स। अब हम देखिए फ्रेंड्स हम ऐसे ही हिलाते हुए इसको अच्छी तरह से कुक कर लेंगे। हम गैस को फ्लेम को लो और मीडियम ही करके रखे हैं फ्रेंड्स। इसी तरह करके इसको कुक करते रहेंगे तब तक ये गुलाबी ना हो जाए, हल्की हल्की ब्राउन नहीं हो जाए तब तक हम इसको लो फ्लेम में करेंगे। अभी ब्राउन हो जाएगी तो हम थोड़ा मीडियम टू हाई कर लेंगे फ्रेंड्स। हम इसको हिलाते रहेंगे। ऐसे ऐसे करके हिलाते रहेंगे फ्रेंड्स। अब हम गैस को फ्लेम को मीडियम पर रखती हैं फ्रेंड्स। अब ये इसको हिलाते हिलाते हम जब तक ये ब्राउन कलर की ना हो जाए तब तक ले हम इसको पलटते रहेंगे। ये फ्रेंड्स हमारे ये ब्राउन कलर की हो हमारे ये ब्राउन कलर की हो चुकी है। अब जरा हम और हल्का सा और ब्राउन कर देंगे, उसके बाद हम इसको निकाल लेंगे फ्रेंड्स। हमने फ्रेंड्स इसमें चीनी का मात्रा कम डाले हैं क्योंकि हमको फीका ही अच्छा लगता है, खूब मीठा नहीं अच्छा लगता है। आप लोग अगर मीठा लगता होगा तो फ्रेंड्स आप लोग चीनी का मात्रा हमने आधा कप से ज्यादा डालते हैं आपने, आप एक कप डेढ़ कप एक सवा कप डाल दीजिएगा तो आपका मीठा आपका टेस्ट के अनुसार मीठा मिल जाएगा इतने क्वांटिटी के साथ। पर हम लोग तो हल्का मीठा खाते हैं इसलिए फ्रेंड्स हमने मीठा के क्वांटिटी कम करके रखा है फ्रेंड्स। अब हमारे ये कुक हो चुकी है, अब हम इसको निकाल लेंगे। गैस को फ्लेम को लो कर देंगे और इसको निकाल लेंगे। देखिए फ्रेंड्स हमने इसको निकाल लिए हैं, इसको निकाल चुके हैं। अब हम इसी प्रोसेस में इसको भी बना लेंगे फ्रेंड्स। इसको बना लेंगे तब हम आपको प्लेटिंग करके दिखाएंगे फ्रेंड्स। फ्रेंड्स हम और एक डाल दिए, अब उसी प्रोसेस में उसको भी निकाल लेंगे और ये सब कर लेंगे तब हम आपको प्लेटिंग करके दिखाएंगे फ्रेंड्स। आप एक कीजिएगा, जब इसको डालिएगा तो गैस को फ्लेम मतलब लो करके रखिएगा, नहीं तो ये चल जाएगी फ्रेंड्स। क्योंकि इसमें हमने सूजी भी डाले हैं तो सूजी पटक से लग सकती है, इसलिए लो फ्लेम कर इसको अच्छी तरह से पलट लीजिएगा। लो फ्लेम में थोड़ी हल्की हल्की वो ब्राउन हो जाए तब इसको मीडियम फ्लेम करके कुक कीजिएगा फ्रेंड्स। अब हम देखिए इसको हम पलटते रहे फ्रेंड्स, इसी तरह करके इसको अभी तक हम लो फ्लेम ही रखे हैं फ्रेंड्स। ये अंदर तक कुक होने के लिए लो फ्लेम चाहिए और थोड़ी रेड करने के लिए हमको मीडियम फ्लेम करना पड़ेगा। फ्रेंड्स हम इसी तरह इसको भी फ्राई करते हैं। अब गैस को फ्लेम को मीडियम रखती हैं फ्रेंड्स और इस तरह फ्राई करते हुए हम इसको हल्का हल्का ब्राउन और हो जाएगी तो हम इसको निकाल लेंगे फ्रेंड्स। हम इसको भी निकाल लेंगे फ्रेंड्स, ये भी ब्राउन हो गई है। हम गैस को फ्लेम लो करके इसको हम निकाल लेंगे फ्रेंड्स। अब हम इसी प्रोसेस में सब कुक कर लेंगे फ्रेंड्स।
फ्रेंड्स बनके तैयार हो चुका कुलगुला। फ्रेंड्स ये रेसिपी हमने बहुत ही आसान तरीके से बनाई, हमने केहू और सूजी से ये रेसिपी बनाई। आप जरूर से जरूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही अच्छी लगती है। आप इसको एक बार बनाकर जरूर से जरूर खाइएगा। मान लीजिए कि आपको मीठा खाने को मन करे तो ये बनाकर आप खा सकते हैं, ये बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। इसे आप आलू दम के साथ खाइए, आलू मटर की सब्जी के साथ चाहिए, किसी से भी मतलब लस्सा वाला सब्जी के साथ खाइए, बहुत ही यमी लगती है फ्रेंड्स। और हमने बहुत ही आसान तरीके से इसको आपको बनाकर दिखाए हैं फ्रेंड्स, आप जरूर से जरूर इसको ट्राई कीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर से जरूर बताइएगा फ्रेंड्स। अगर ना भी अच्छा लगे तो हमें कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा इसमें क्या खामियां हैं फ्रेंड्स, तो हम सुधारने की कोशिश करेंगे फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स हमारा कुलौड़ा कितना सॉफ्ट हुआ है, देख रहे हैं कितना सॉफ्ट हुआ है, अंदर से भी एकदम पूरा वो हो गया, कुक हो चुका है, देख रहे हैं फ्रेंड्स। इसी तरह आप बनाकर खाइए फ्रेंड्स, आपको बहुत ही अच्छी लगेगी। ये बच्चों के टिफिन में भी आप दे सकते हैं। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आए तो हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिएगा। अगर हमारे आप हमारे चैनल में न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।